दोस्तों आज हमारे पास एक माइक्रोवेवन आया है और उसमें प्रॉब्लम है कि उसका ट्रांसफार्मर पे 220 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस कारण से 220 वोल्ट नहीं आ रहा है और उस माइक्रोवेवन को बनाते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में डायग्राम के द्वारा भी बताऊँगा कि कैसे 220 वोल्ट माइक्रोवेवन में कहाँ कहाँ पर रन करता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपका यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होगा। तो चलिए देखते हैं माइक्रोवेवन पे कि क्या हो रहा है उसमें। दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स का यह माइक्रोवेवन है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें ट्रांसफार्मर पर 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, जिससे कि ये हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है और किस कारण से वहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आ रहा है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर पर ये जो दो वायर लगा हुआ है, इस वायर पर ही 220 वोल्ट आना चाहिए। तो इस वायर पे जो है 220 वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक वायर वाइट कलर का है जो कि सिंगल में है, और दूसरा वायर है रेड कलर का और येलो कलर का, ये दो वायर एक साथ है। तो दोस्तों जो वाइट कलर का जो वायर है ये पीसीबी से आता है, जो कि माइक्रो का रिले है, वहाँ से आते हुए और यहाँ पर आ जाता है। और इस माइक्रो का रिले पे आता है डोर स्विच का बीच वाला पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो अगर वाइट वाला तार अगर पीसीबी से आया है और अगर पीसीबी में फॉल्ट हो जाएगा तो भी यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं आएगा। ये जो रिले है माइक्रो का, अगर ये भी ख़राब हो जाएगा तो भी यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं आएगा। तो चलिए इसके बाद में कि डोर स्विच का क्या पोजीशन है। तो चलिए डोर स्विच को हम लोग निकाल लिए, लेकिन डोर स्विच का हालत ख़राब है। यहाँ पे डोर स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है उस पर निकालते समय वायर निकल गया। वो हो सकता है कि हीट करके ज़्यादा गर्म होकर के उस जगह जल गया होगा, और नहीं तो वो बहुत ही मजबूत रहता है। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में 220 वोल्ट का पूरा चीज़ समझना है कि कहाँ से कैसे आता है, तो उसके लिए आपको एक मैं डायग्राम दिखाऊँगा और उससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्विच को हम लोग देख लेते हैं कि स्विच में हुआ क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कट कर दिया था स्विच को, और कट करने के बाद में इसको ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। और निकाल करके यहाँ पे देखिए, जो नीचे वाला जो पॉइंट है जहाँ पे अंगूठा मैं दिखा रहा था, वहाँ पर क्या होगा होता है कि वहाँ पर रस्ट लग जाता है। तो इसको वहाँ से रस्ट को छुड़ा लीजिए या फिर दूसरा ही बदल दीजिए। और इसके बाद चलिए हम लोग डायग्राम में समझते हैं। देखिए जो एल लाइन है, जिसको हम लोग फेज बोलते हैं, ये डोर स्विच फर्स्ट डोर स्विच पे जाएगा और वहाँ से होते हुए ये सेकंड डोर स्विच का कॉमन पे जाएगा। जब कॉमन पे 220 वोल्ट चला गया तो उसके बाद में जो बीच वाला पॉइंट है, यही पॉइंट आपको फैन में भी चला जाएगा, फैन मोटर में। और यही जो पॉइंट है फैन मोटर में भी जाएगा, और वहाँ से होते हुए बीच से ही आपको ये चला जाएगा पीसीबी में, पीसीबी का माइक्रो का रिले पे जाएगा। और माइक्रो का रिले का जो दूसरा पॉइंट है उससे यह रिटर्न वापस आता है और ये चला जाता है ट्रांसफार्मर पे। तो अगर आप समझ गए कि डोर स्विच में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो भी ये 220 वोल्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट अगर दे करके चेक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा। और यहाँ से कैपेसिटर से देखिए, इस तरह का ट्रांसफार्मर में इस साइड कैपेसिटर और डायोड और फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो अभी हमें उधर से मतलब नहीं है, इसलिए उस पॉइंट के बारे में नहीं बात करेंगे। अभी जहाँ पे मेरा फॉल्ट हुआ है हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो तीसरा स्विच है मैग्नेट्रॉन का, यहाँ पे पहले ज्वाइंट कर लीजिए इसको। दोस्तों ये जो तीसरा डोर स्विच है तो इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। तीनों डोर स्विच में से कोई भी डोर स्विच अगर ख़राब हो जाता है तो
तो भी हमारा 220 वोल्ट नहीं आएगा। तो बारी बारी से हमें तीनों डोर स्विच को निकाल करके चेक करना रहता है, और ज़्यादा करके आपको फॉल्ट जो है बीच वाला ही पॉइंट में, बीच वाला डोर स्विच में आता है। तो तीनों डोर स्विच खोलने से पहले आप बीच वाला अगर डोर स्विच को खोल लीजिएगा तो भी आपको ये काम हो जाएगा, और डोर स्विच से ही ये बल्ब में चला जाता है, दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट से बल्ब में जाता है। अगर डोर 220 वोल्ट अगर दोनों पॉइंट जल जाता है तो वो नहीं आएगा, और अगर एक पॉइंट जलेगा तो केवल बल्ब जलेगा। और 220 वोल्ट से टर्न टेबल मोटर भी लगा हुआ रहता है, एक पॉइंट ग्राउंड और एक पॉइंट आपको 220 वोल्ट में लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों अभी मेरा जहाँ पर फॉल्ट हुआ है वो उसका मैंने वायरिंग दिखा दिया कि ये वायरिंग से कि कहाँ कहाँ से ये 220 वोल्ट गया है और हमें कहाँ कहाँ पर चेक करना है, कहाँ कहाँ गया है। यह डायग्राम, तो चलिए दोस्तों वापस हम लोग माइक्रो ओवन में चलते हैं। और ये जो 220 ये जो डोर स्विच है बीच वाला जिसमें 220 वोल्ट पास हुआ है, उसको हम लोग वायर को ठीक करके और ये नया बदल देंगे, और नया बदल करके इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ये देखिए इस तरह से अच्छा से बैठा लीजिए, इसमें जैसे मैंने बैठाया उसी तरह देखिए ये आपको बैठाना है। स्विच अंदर से अच्छा से प्रेस होना चाहिए, जब इस तरह से आप बैठा लीजिएगा इसके बाद में आप इसमें माइक्रो ओवन में लाइन दीजिए। देखिए मैंने इसमें लाइन दे दिया है, और इसमें हम लोग कुछ रखते हैं, माइक्रो टाइमिंग दे दीजिए और स्टार्ट बटन को प्रेस कर दीजिए, और कुछ देर चलने के बाद में एक या दो मिनट चलने के बाद में आपको इसमें पानी गर्म हो जाएगा तो समझिए कि ये ठीक हो गया, अच्छा काम करेगा। दोस्तों यहाँ ट्रांसफार्मर पे 220 वोल्ट आना ज़रूरी है। देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है तो ये पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।